भाई और बहनों, भारत और फ्रांस की मित्रता पूरी तरह से अटूट है और ये मित्रता नहीं, एक प्रकार से मित्रता से भी कुछ आगे हैं। ये नई नहीं है बल्कि सालों पुरानी है। फ्रांस में हुए एयर इंडिया के दो विमान हादसों का ये स्मारक भी है। इन हादसों में कई भारतीय यात्रियों का निधन हुआ था। इनमें भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। भारत के उस महान सपूत को और अन्य भारतीयों को जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवाए, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, भारत में पिछले 5 सालों में ढेर सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं। साथियों, पूरी दुनिया में एक तय समय में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट अगर किसी देश में खुले हैं तो वो भारत में खुले हैं। पूरी दुनिया की अगर आज सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किसी देश में चल रही है तो उस देश का नाम है। नई सरकार बनते ही जल शक्ति के लिए एक नए मंत्रालय को बनाया गया जो पानी से संबंधित सारे विषयों को होलिस्टिकली देखेगा। गरीब किसानों और व्यापारियों को पेंशन की सुविधा मिले, इसका भी फैसला लिया गया। ट्रिपल तलाक, एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्त। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सभी का चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। इस उपलब्धि के बाद चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बातें तो बहुत होती हैं, मगर उन पर एक्शन होता हुआ कम दिखता है। हमने और फ्रांस ने साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। आज इसमें करीब दुनिया के 75 देश सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं और क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ऐसा जमीन पर सही मायने में बदलाव ला रहा है। भाई और बहनों, आजकल हम 21वीं सदी के इंफ्रा की बात करते हैं। हर कोई नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा बोलता है, लेकिन यहां मेरा इंफ्रा का मतलब कुछ और है। यहां मैं जब आपके बीच आया हूं, फ्रांस की धरती पर आया हूं, तब मेरा इंफ्रा का मतलब है IN इंडिया के लिए, FRA
फ्रांस के लिए, आईएन प्लस एफआरए यानी इंडिया और फ्रांस का तालमेल अलायंस इंफ्रा, सोलर इंफ्रा से लेकर सोशल इंफ्रा तक, टेक्निकल इंफ्रा से लेकर स्पेस इंफ्रा तक, डिजिटल इंफ्रा से लेकर डिफेंस इंफ्रा तक, भारत और फ्रांस का अलायंस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, देश के विकास के लिए आपका योगदान भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत है। भारत और फ्रांस के रिश्तों की मजबूती के मूल में भी सिर्फ सरकारें नहीं हैं, बल्कि आप जैसे नागरिक हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की इस आवाज को आप हमेशा हमेशा के लिए बुलंद करते रहेंगे। और मैं हमेशा हमेशा इसलिए कहता हूं कि अब हिंदुस्तान में टेम्पररी के लिए व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा 125 करोड़ का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, राम और कृष्ण की भूमि, टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। टेम्पररी को निकालने में 70 साल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हंसना कि रोना। खैर साथियों, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म और परमानेंट व्यवस्थाओं के साथ, पक्के निर्धार के साथ देश चल पड़ा है, चलता रहेगा, मकसद को भी पूरा करेगा, मंजिल को भी प्राप्त करेगा। इन सब विश्वास के साथ फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।